सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं तो सोचा कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसकी इस टाइम समाज में ज़रूरत है। और ज़रूरत किस चीज़ की है, वो है सस्ती चीज़ें जो बजट फ्रेंडली हो, जिनकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो। जो चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं, ओनर्स के साथ मिलकर उनकी सच्चाई पूछते हैं, ताकि आप प्यारे व्यूअर्स बिना उस चीज़ पर पैसा लगाए, बिना उसको खरीदने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ जान जाएं, सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि जब मेहनत का पैसा जेब से उस पर चीज़ लगे ना, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द मलाल या पछतावा ना हो कि ये हमने क्या कर दिया, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। उसी तरीके से आज आपके लिए एक ऐसा रिव्यू लेकर आ रहे हैं जिसमें एक तरफ है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दूसरी तरफ है CNG व्हीकल। दोनों ही अपने सेगमेंट की किंग हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सी ले, ये डिसीज़न आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। ये डिसीज़न बनाने के लिए दोनों के ओनर्स को बुला दिया है, जो इससे खुश भी हैं, दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, मज़ा भी ले रहे हैं। तो दोनों का स्वागत करते हैं चैनल पर। एक तरफ है मेरा भाई प्रथम, एक तरफ है मेरा भाई अमन। तो अमन एंड प्रथम जी, एक माइक है, दोनों थोड़ा जुगाड़ कर लेना या मैं यूज़ कर लेता हूँ, आप इधर बीच में आ जाइए, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लेना। तो मेरे भाई सबसे पहले ये बताओ, ये इसका कौन सा वेरिएंट है, कितने का ऑन रोड पड़ता है? ये इसका टॉप वेरिएंट है और ये रोड पे 125 का पड़ता है, 1.25 लाख का। CNG बाइक है वो, फ्रीडम 125 बजाज। ये मिडल वेरिएंट है, S1 एयर, ठीक है, S1X, S1X प्लस और S1 प्रो, ठीक है, और ये है 120 का पड़ा था मुझे। 1,20,000 रुपए का S1 एयर आपको पानीपत में पड़ा, आपको 1,25,000 की CNG बाइक। कहीं ना कहीं दोनों वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं पास है, सिमिलर है। तो भैया आपकी ये जो व्हीकल है, पहले तो ये बताओ ये कितनी रेंज दे देती है? ये रेंज देती है 90 किलोमीटर, बोलते हैं कि 150 है पर 90 देती है, रियल वर्ल्ड में 90 किलोमीटर चलती है। इसमें डिपेंड करता है वेट का, और साथ में कोई पीछे बैठा हो तब जाके ऐसा होता है, और ठीक है मैं 80 kg का हूँ तब भी जाके 90 देती है, तो फिर क्या ही वो, ठीक है। 90 किलोमीटर एक बार की चार्जिंग पे लग जाती है, और चार्जिंग कितने समय में होती है ये हमें तो पता नहीं, हम पूरी रात लगाते हैं, पूरी रात लगाते हैं। भैया आपकी जो बाइक है पेट्रोल प्लस CNG है, दोनों को अगर फुल करा दिया जाए, कितनी कंपनी बोलती है आपको देती कितनी है? ये फुल हो जाती है पूरे 4 मिनट के अंदर, पेट्रोल CNG दोनों 4 मिनट में, ठीक है। ये मेरे को कंपनी तो दावा करती है कि 2 किलो CNG और 2 लीटर पेट्रोल आएगा, सॉरी, बट समय इतनी ही आती है, इसमें 1.8 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड 1.8 kg ऑफ CNG, ठीक है, दोनों 200-200 ग्राम कम आते हैं। तो चलती कितनी है? चलती समवेयर यही 60-70, अभी तक तो फर्स्ट सर्विस कह रहे हैं कि बेटर हो जाएगी, बट अभी तक 60-70 ही देती है मेरे को, और पेट्रोल में तो वो मना ही कर दे चलाने के लिए। दोनों की सिटी की माइलेज की बात हो रही है, ये सिटी के अंदर भाई को 70 किलोमीटर 70 दे पर kg, यानी कि 2 kg में 140 किलोमीटर, और 2 लीटर पेट्रोल जिसमें 1 लीटर पेट्रोल में समवेयर मेरे को पता है कि 50-55 दे देगी, ठीक है। कहने का मतलब इसको लोगे तो एक बार में 60 × 70 × 140, 140 और 200 लगभग 250 किलोमीटर एक बारी में ये चल सकती है बिना रिफिल के, 90 किलोमीटर ये चल सकती है। डिपेंड करता है इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड, ठीक है। नॉर्मल मोड पे मतलब लगा लो कि 105 ऐसे समथिंग चलती है, ठीक है, और स्पोर्ट्स मोड पे 90, ठीक है, और इको मोड पे 110 या 120, ठीक है, ऐसे ही रहता है। कहने का मतलब ये है कि इस वाली क्वेरी में तो ये जीत गई, ठीक है। अब आते हैं भाई, आजकल फीचर्स की बहुत डिमांड है भाई, चीजें में नए नए फीचर्स चाहिए। आपकी स्कूटी क्या क्या फीचर दे रही है इस बजट में? इसमें फीचर सबसे ज्यादा हैंग होते हैं। अच्छा, हैंग होते हैं, नहीं पहले देते क्या है वो बताओ। मतलब ऐसा है कि इन्होंने एक काइंड ऑफ एंड्रॉइड जैसी स्क्रीन दे रखी है और कुछ ठीक नहीं है, दिखा देते हैं, हाँ जी देख लीजिए, ठीक है, एंड्रॉइड जैसी स्क्रीन दे रखी है, स्मार्ट है, दे रखी है, ऐसे मान लीजिए जैसे पासवर्ड लगता है, हाँ, और इसमें क्या रहता है कि मोड दिखाता हूँ, जैसे आप ये स्टैंड ऊपर करेंगे, हाँ, स्टैंड ऊपर करेंगे, ये ऑन होगी, भाग तो नहीं जाएगी, नहीं नहीं ऐसे नहीं भागेगी, देखो ऑन हो गई, ये दबा के रखेंगे तो इको मोड, और अगर नॉर्मल ये हो गया स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स मोड पे पिकअप बहुत अच्छा उठाती है, और ये तीन बस वही है, और बाकी ऐसे नॉर्मल जैसे एंड्रॉइड में होता है, समझ गया, सेटिंग्स वगैरह, मतलब आपको दबा के फीचर्स मिल रहे हैं, हाँ दबा के फोन वोन यहीं से ऑपरेट हो जाता है, हाँ जी हाँ जी, और आपको मतलब
मैप वैप भी मिल जाते हैं, ठीक है, 1,20,000 में ये सब आपको मिल गया। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब आप अपनी बाइक के पास आए ना, आपको क्या क्या मिला फीचर्स के नाम पे? मेरे को ये मिला कि इसकी कभी चार्जिंग बीच में खत्म नहीं हो सकती। नहीं नहीं, फीचर्स क्या क्या मिले इसके अंदर? ये है कि अगर मतलब फीचर्स में सच बताऊं ऐसा कुछ नहीं मेरे को स्पेसिफिकली ने दिया, बट ये है कि ये मेरे को ऑन टाइम माइलेज दिखाती है कि कितनी देरी है अगर मैं स्पीड पे मेंटेन कर रहा हूँ। और ये ब्लूटूथ का बटन है तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है, आपको सारी नोटिफिकेशन दिखाएगी। ऑल्सो अगर आपको कॉल आ रही है तो आप डिस्कनेक्ट और वो कर सकते हो, उठा सकते हो इससे। और चार्जिंग का ऑप्शन दे रही है, चार्जिंग का ऑप्शन देती है। इस मामले में भैया ये जीत गई है ना। अब एक अहम और जरूरी चीज है कि आपकी स्कूटी में ऐसी क्या चीज है जो ये बाइक को पछाड़ती है, और आपकी बाइक में ऐसी क्या चीज है जो स्कूटी को पछाड़ती है? समवेयर आई फील कि जो बाइक्स होती है वो इलेक्ट्रिक से तो कहीं ज्यादा ड्यूरेबल होती है। सेकंड ऑफ ऑल इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप अगर लाइट नहीं आई तो चलो भाई आज तो घर ही पैदल जाना पड़ेगा, पद यात्रा करनी पड़ेगी। सही बात है। तीसरा टायर्स सबसे मेन फैक्टर यही है कि मेरे को पता है कि अगर मैं इसको निकाल रहा हूँ ना तो मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई ये पॉलिटिक स्लिप होगी तो गिर गई तो छोटा गड्ढा है बड़ा गड्ढा है, आराम से निकालो कोई दिक्कत नहीं है, आपके हाथ में आपके बाइक का पूरा कंट्रोल रहेगा। ठीक। और आप सर? इसमें ऐसा रहता है बस, ये इन्होंने सही पॉइंट बोला कि अगर लाइट ना हो तो दिक्कत हो जाती है। हाँ। वैसे कुछ और कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। क्योंकि मेरे जितने भी आपको एक बेनिफिट बताऊं आपकी स्कूटी का, बताइए भाई, ये नॉइसलेस है और वो शोर मचाती है और नॉर्मल बाइक से ज्यादा शोर मचाती है सीएनजी वाली, है ना? लेकिन ये नॉइसलेस है, जो शांति प्रिय आदमी है जिसको शोर पता ही नहीं, घर से रात को निकलना है बताना नहीं किसी को, चुपचाप निकल जाए तो वो इस स्कूटी से निकल सकता है। ठीक है। अच्छा, दोनों की हेडलाइट एलईडी है, आप अपनी हेडलाइट के थ्रो से खुश हैं रात को? हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने तो इसको भी कम करा रखा, देखो ब्लैक। अच्छा ब्लैक करा रखा, जेड ब्लैक चुपती है या फिर भी कम करते आता होगा, कम जलती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक ठीक। तो उसको कवर करने के लिए किया और कम हो जाए। ठीक। आपकी? मैं थोड़ा थ्रो से डिससैटिस्फाइड हूं, जो हाईवे पे है थोड़ा बेटर हो सकता था। ठीक है। ब्रेकिंग को लेकर उसमें फ्रंट टायर में डिस्क ब्रेक है और इसमें डिस्क नहीं है, लेकिन ब्रेकिंग का मामला कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं है। इसकी खाली एक चीज में कमी है, जो शोकर है, इसके शोकर बहुत बेकार है। सस्पेंशन इज नॉट गुड, बहुत बेकार है, बहुत बेकार। ठीक। आपके? बहुत प्यारे हैं, मतलब आपकी सीट तो दोनों की लंबी है। हाँ जी। इसकी ज्यादा चौड़ी है, उसकी कम चौड़ी है, लेकिन कंफर्ट के मामले में आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इसके सस्पेंशन से। 5 लोग बैठ सकते हैं? ये गोलमाल वाली बाइक है मेरी नहीं, स्टिल कितने लोग बैठ सकते हैं? नहीं देखो ऐसे मैंने बिठा के तो देखे, बट जितना मेरे को लगता है 2 ही बैठो वैसे, है ना? बट 4 बैठ सकते हैं आपके जितने, 4। ठीक। आपकी सीट से सेटिस्फाई है? ठीक है। ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, कुछ भी खरीद लो अगर आफ्टर सेल सर्विस नहीं है अच्छी तो वो चीज कचरा है। मैं किसी को बोल नहीं रहा, बता रहा हूँ। आपकी आफ्टर सेल सर्विस बजाज की कैसी है? वो इतनी अच्छी है कि उनका 4 दिन बाद कॉल भी आया था, सर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ठीक है ना। तो मेरे को खर्चा कितना आपकी आफ्टर सेल सर्विस का? ऐसा कोई खर्चा नहीं है, सीएनजी का तो स्पेसिफिकली कोई खर्चा नहीं है। इंजन जो मुगल ऑयल डलता है ये वो तो नॉर्मल बाइक्स वाला, जो नॉर्मल 800 से 1,000 रुपए वही नॉर्मल बाइक वाला। आपकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है और खर्चा कैसा? अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई तो खर्चा कैसा होगा? ठीक है। मतलब इसका मेरी जितने भी फ्रेंड्स है, अगर लगा लीजिए 10 फ्रेंड्स है, उनके पास 3 होगी, मान लो हम टोटल 3 है हमारे पास, तो 3 में से 2 खराब है 1 बढ़िया निकल गई, ऐसा है। अच्छा, यूनिट्स स्पेसिफिकली दिक्कत दे रही। और आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं पड़ी इसका। वैसे रनिंग खर्चा चार्जिंग के अलावा है? अच्छा, ये लगभग 100 रुपए की सीएनजी में, 100 रुपए की सीएनजी में 70 किलोमीटर सिटी में चलती है, हाईवे पे 90 किलोमीटर भी चल जाती है, 85-90, तो ये 1 रुपये से कम पड़ती है। आपकी कितने रुपए में चार्ज होती है, कितनी चलती है? ये मेरे ख्याल 3 से 4 यूनिट लेती है फुल चार्ज होने में, और 0 तो वैसे भी कोई चार्जिंग करता नहीं है, तो नॉर्मल लगा लीजिए 3 यूनिट ले ली उसने चार्ज करने 30 रुपए की यूनिट में 90 किलोमीटर चल जाती है। ये सस्ती चलती है थोड़ी, ये सस्ती चलती है, वो इससे महंगी चलती है, लेकिन असल जीवन में दोनों ही सस्ती चलती है। ठीक है। और भैया अब एक एंड प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सी ले कौन सी ना ले, और कौन कौन सी ले और कौन कौन सी ना ले। ठीक है। आप प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट में एक ही कंक्लूजन दे दो कि इससे खुश किन चीजों में और ना खुश किन चीजों में। खुश इन चीजों से है, हमें पेट्रोल पंप जाना नहीं पड़ता। ठीक है। क्योंकि आलसी, हमारे जैसे आलसी बंदे हो तो वो घर जाके चार्जिंग लगा देते हैं। सही बात है। ठीक है ना। और
और दूसरी चीज ये आती है कि मतलब स्पीड को लेकर, पिकअप को लेकर, वो सारी चीजें सारी अच्छी रहती है, और कोई दिक्कत नहीं है। बस बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बहुत दिक्कत है, जैसे आप देखेंगे इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये खुल रहा है, खुल रहा है, ये अगर इधर से दबाता हूँ तो इधर से निकल जाता है, ठीक है। फिट एंड फिनिशिंग वो चीज में दिक्कत है, और बिल्ड क्वालिटी पुअर है। नहीं ठीक है, एवरेज एवरेज है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और साइलेंट है, सबसे प्यारी बात है। आपकी मतलब प्रोज एंड कॉन्स बता दीजिए ऑल ओवर बाइक में, अच्छा बुरा आपको क्या फील हो रहा है सबसे? कि एक तो ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, माइलेज अच्छी दे रही है, जो हमें जो बेसिक्स चीज होती है वो ये सब दे रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसका मैंने आपको टैंक का बताया था पहले भी, हाँ भी बिल्ड क्वालिटी में इसका टैंक काफी पुअर है, ये काफी हल्का है इसका ढक्कन, और बहुत ही लचीला सा है, आवाज भी करता है, ठीक है। बट ओवरऑल इट इज गुड, यू कैन गो फॉर दिस, बट फीचर्स इसके अंदर ऐसे आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको शो क्या घुमानी है तो साइलेंट चाहिए तो थोड़ा नॉइजी होगी, फीचर नहीं है, साइलेंट नहीं है। हाँ, और वैसे ड्यूरेबिलिटी और आपको माइलेज वगैरह पिकअप कैसा है? पिकअप बहुत अच्छा है, उससे तो कम है मैं मानता हूँ, उससे कम पिकअप है भाई, बट वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई मैंने सीएनजी लिया तो ये हल्की चल रही है, आप पेट्रोल भी ले आओ तब भी आगे निकल जाएगी 125 सीसी के आगे, ठीक। तो भैया अब वीडियो के एंड में दोनों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी राय रखना चाहता हूं, लेकिन उस राय को जानने से पहले जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चाहते हैं हम ऐसा कंटेंट फ्यूचर में बनाएं तो प्लीज़ हमारी वीडियो में कमेंट करें कि आप चाहते क्या हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अपनी राय ये रखना चाहूँगा, जिसको थोड़ा सा ज़्यादा फीचर और स्टाइल और रिफाइनमेंट और साइलेंस चाहिए, और वो तो ले ले ओला, डिज़ाइन भी प्यारा है, लेकिन जिसको रगेड इस्तेमाल करनी है, दिन रात इस्तेमाल करनी है, बेचिंत रहना है माइंड से, सस्ते में चलना है, और नॉर्मल बाइक की तरह ही एक चीज़ नहीं चाहिए लेकिन सस्ता बजट चलाने का हो, वो सीएनजी ले। ये जो थोड़ा सा फ़र्क है इनके पैसों में, जो कुछ ज़्यादा नहीं है, और रनिंग कॉस्ट में भी थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन दिस लुक्स मोर रिलायबल। इसकी आफ्टर सेल सर्विस में काफ़ी प्रॉब्लम सुनाई दे रही हैं, फ्यूचर में इसकी भी सुनाई देती है नहीं पता लग जाएगा। ऑल्सो इसका एक छोटा वेरिएंट है, वो वैसे कोई भी प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि उसमें डिस्क ब्रेक नहीं है सिर्फ, बाकी सब सेम है, और डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, वो 5000 लेस है जो सेम इसका प्राइस दे देगी आपको, वो तो फिर उसका भी छोटा वेरिएंट है। बट बस अगर डिस्क ब्रेक तो देखो आप 5000 में आपको फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 1,20,000 खर्च रहे हो तो 5000 और देके आप सोचोगे कि वो डिजिटल टॉप वेरिएंट लो, भाई का कहना ये है। आप कुछ और बात ऐसा है कि S1 प्रो लीजिए, जिसने भी लेनी है, छोटे मॉडल सारे ऐसे ही हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा है। बड़ा। तो भाई दोनों भाइयों का दिल से धन्यवाद, मतलब मजा आ गया आपका भी, और आपकी कोई क्वेरी दूर हुई हो तो आप हमें धन्यवाद कर सकते हैं कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक्स।